आखिरकार इजराइल के ऊपर एक बड़ा ही भीषण हमला हो गया है और उसकी बेस पर 4 सैनिक तो मारे गए हैं लेकिन बहुत सारे घायल हुए हैं। अब ऐसा हो कैसे गया और कहा जा रहा है कि इस वक्त इजरायली सेना भी असमंजस में है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तस्वीर को। इस तस्वीर में कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, पाकिस्तान से ये तस्वीर है और इस पोस्टर में स्वागत हो रहा है। किसका स्वागत हो रहा है? स्वागत हो रहा है चाइना के प्रीमियर का। चाइना के प्रीमियर यहाँ पहुंच चुके हैं और कल पहुंचने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक अलग खेला शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा कुछ वैसा हो चुका है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को माना जाता है सबसे तगड़ा और ऐसा कि परिंदा भी पर न मार सके। अभी तक इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस तरीके की मजबूती दिखाई है कि इजराइल को अभी कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन इस बार एक बड़ी मुश्किल में फंस गया इजराइल। इजराइल का एक मिलिट्री बेस निशाने पर आ गया है। मध्य इजराइल के बिन्यामीना में एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला हुआ। 13 अक्टूबर की रात को किए गए इस हमले में इजराइल के 4 जवान मारे गए हैं जबकि 67 के घायल होने की खबर आ रही है। अब अचानक से ये कैसे हो गया? स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तस्वीर को, जिस तस्वीर में आपको दिख रहा है एक डाइनिंग हॉल और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेना के जो जवान थे वो खाना खा रहे थे रविवार रात 7 बजे और खाना खाते वक्त यह हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी भी तुरंत से हिजबुल्ला ग्रुप ने ले ली है और इसने कहा कि हमने IDF के गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर को ही ड्रोन से निशाना बना लिया है। हालांकि ऐसे समय में यह हमला किया गया है जब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी तौर पर आगे बढ़ रही है। अब IDF का कहना है कि ड्रोन हमला शाम को 7 बजे से कुछ पहले किया गया। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया गया। IDF ने कहा कि 7 और सैनिक गंभीर रूप से घायल है जबकि 14 को मध्यम चोटें आई हैं। 28 अन्य घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं लगा। ये है सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी जांच की विषय। खुद इनके जो प्रवक्ता हैं डैनियल, वो कह रहे हैं कि ड्रोन इजराइल में घुसने के बाद कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा था। लोगों से हमले के बारे में अफवाह न फैलाने की अपील की और उन्होंने कहा कि हम तथ्य जुटा रहे हैं, हम जांच करेंगे कि कैसे एक UAV बिना किसी चेतावनी के घुस सकता है और एक बेस पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि UAV के खतरे का सामना तो कर रहा है इजराइल और हम बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे, इस घटना से सीखेंगे और सुधार करेंगे। मामला क्या हुआ है? कहा गया कि लेबनान से 2 ड्रोन समुद्र के रास्ते इजरायली क्षेत्र में घुसे और ये दोनों कौन से ड्रोन थे? मिर्साद ड्रोन जिन्हें ईरान में अबाबिल टी के नाम से भी जाना जाता है, एक सुसाइड ड्रोन है और दोनों ड्रोन को इजरायली रडार ने ट्रैक कर लिया। एक को हाइफा के उत्तर तट में मार गिराया गया और दूसरे को इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने पीछा किया लेकिन अचानक से यह रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना को लगा कि लगता है जैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, पर असल में ये जमीन के एकदम नीचे से उड़ रहा था जिस वजह से ये रडार की पकड़ से बाहर हो गया और रडार की पकड़ से बाहर जाकर इसने यहाँ पर हमला कर दिया। वैसे ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि इसने विफल कर दिया इजराइल के मॉडल को। हालांकि कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला इस तरह के कई और ड्रोन इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन 40 केजी तक के विस्फोटक ले जा सकता था। अभी जो घटना हुई है इसमें कहा गया 20 केजी का विस्फोटक था। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और 120 किलोमीटर तक हमला करने की रेंज है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्ला ने अब इसके जरिए आक्रामक हमले करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला के पास इस तरीके के 2000 से अधिक ड्रोन हैं और अब इजराइल इसका रिएक्शन कैसा देगा वो देखने वाली बात होगी। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग लेवल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में अब 7 देशों के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को।
को और इन तस्वीरों में दिख रहे हैं सातों देश के प्रधानमंत्री। इसके अलावे जो गेस्ट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनके साथ जनरल मुनीर पर्दे के पीछे बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी के, खाड़ी देशों के साथ। अब जरा ये सोचिए कि एससीओ की समिट में एक मिलिट्री जनरल क्या कर रहा है। सवाल यही कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी है जो यहाँ पर शुरुआत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, डील फाइनल कर रहा है। स्क्रीन पर एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको बीच में दिख रहे हैं चाइना के प्रधानमंत्री यानी कि चाइना के प्रीमियर, और ये भी पहुंचे हैं यहाँ पर। सबसे अजीब बात है, जहाँ ये पोस्टर लगाया गया है वहाँ डंडे में लिखा हुआ है एक क्लीन पैलेस, ए सेफ पैलेस। अब पता नहीं ये कितना सुरक्षित है, क्योंकि अभी ये सारा तामझाम हो रहा है और इसी बीच खेल हुआ है, पर उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल इस पोस्टर में बड़ा वेलकम किया गया, साथ ही लिखा गया डियर ब्रदर एंड ग्रेट फ्रेंड। ये चाइना के लिए पाकिस्तान ने संबोधित किया है। चाइना के प्रीमियर यहाँ पहुंच चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचने वाले हैं कल। और डॉक्टर एस जयशंकर के पहुंचने से पहले मीडिया वगैरह बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब इसी बीच इसाक डार जो कि इनके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि देखिए हम तो फुल प्रोटोकॉल से जो हमारे नियम है एक अच्छे होस्ट की तरह हम डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत करेंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से अभी बायलेटरल मीटिंग का सीन नहीं बन रहा है, न ही भारत की तरफ से और न ही पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर एस जयशंकर का इंतजार इस वक्त मीडिया से लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या होता है, किस तरीके के घटनाक्रम रहते हैं। पर इन सब के बीच में स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, ये ट्वीट किया जा रहा है कई पत्रिकाओं के द्वारा, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कल से शुरू होना है एससीओ की मीटिंग, लेकिन यहाँ बवाल कुछ ज्यादा ही मचा हुआ है। जो प्रदर्शनकारी हैं पीटीआई के प्रदर्शनकारी, वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं प्रदर्शन करने का, जबकि कहा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया है पाकिस्तान ने ताकि ये पूरा आयोजन सफल हो। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इनके वीडियोस को तो ये लग रहा है जैसे माहौल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब सा है। इस पत्रकार ने इस चीज को शेयर भी किया है कि देखिए यहाँ पर बवाल मच रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हो रही है जो एससीओ को लेकर यहाँ की परिस्थितियों को बता रही है। अब डॉक्टर एस जयशंकर कल यहाँ पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।